अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। तो आज ये ब्लैक किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का देसी चिकन का सालन और देसी चिकन की कढ़ाई भी कह सकते हैं। शादियों में जो हमारे यहाँ देसी चिकन बनाया जाता है बादाम डाल के, और ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े का ये लगता है। तो रेसिपी दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चले चलते हैं जिस मज़े की और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी की तरफ। डेढ़ किलो के करीब मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने हाफ डन कर लिया है, यानी कि बॉईल कर लिया है, और ये जिसकी यखनी होती है वो मैंने निकाल के रख दी है, और ये 4 अदद टमाटर हमने लेके उसकी प्योरी बना ली है, और 1 टीस्पून जो है कुटी लाल मिर्च, और नमक जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें, और ये थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तो बस यही कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो ऑयल हमने लिया है, ऑयल गर्म हो गया, तो ये हम अपना जो है चिकन जो हमने बॉईल किया था इसको हम डाल देंगे ऑयल के अंदर। ये देखिए फ्राई हो रहा है, आपको पता ही है कि देसी चिकन जो है ऐसे हो जाता है, और अगर हम इसको नहीं फ्राई करेंगे तो फिर इसमें से एक जो है स्मेल सी आने लग जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जो है फ्राई हो गया। बस इसको मैंने जो है निकाल लेना है और जो है अपनी ग्रेवी रेडी करूँगी। तो ये देखिए फ्राई होके हमारा चिकन जो है इस तरह से कुछ हो गया, और ये देसी चिकन को जब भी हम फ्राई करते हैं तो ये ऐसे श्रिंक हो जाता है, और लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो ये अब हम इसका मसाला रेडी करने लगे हैं। ये ऑयल में, उसी ऑयल में मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और इसको जो है थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। देखेंगे लाइट पाउंसी हो गई, तो अभी हम ऐड करेंगे कुटी डाल दें और ये नमक ऐड करेंगे। नमक और ये मिर्च हमारी हो गई सॉफ्ट। अब हम इसमें ये अपना जो है टमाटर प्योर डाल देंगे, और जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता हम इसको पकने देंगे, छोड़ देंगे इसको। अभी ऑयल छोड़ जाएगा तो फिर हम दिखाएंगे आपको। ये देखेंगे जी हमारा बहुत ही मज़े का जो है मसाला रेडी हो गया, और अभी हमारा जो प्यारा सा चिकन है मज़े का फ्राई हुआ हुआ, अभी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने अंदर इसकी यखनी डाल दी है, तो अब इसका टेस्ट ताकि इसमें जो है डेवलप हो जाए, और 10 मिनट के लिए हम इसको जो है ये लिड लगा के रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ये देखिए जी स्टॉक जो हमने अपना डाला था उसके अंदर वो सारा जो है पक गया इसके अंदर ये चिकन हमारा। अब हम इसके अंदर ये एक फुल कप दही डाल देंगे, दही से जो है इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। डाल के तो बस 5 मिनट के लिए इसको दम पे हम लगा देंगे। सॉरी मैं दही पहले आपको बताना भूल गई थी। ये देखें दही डालने के बाद इस तरह से
जो है रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल देंगे। तो ये देखिए कितना मज़े का हमारा जो है देसी चिकन रेडी हो गया। अभी देखना हम क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर डालेंगे। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत रेडी हुआ है। सबसे पहले हम इसके ऊपर ये अदरक डालते हैं। अदरक डाल दी, उसके बाद ये हरी मिर्चियाँ डालेंगे, हरा धनिया डाल देंगे। उसके बाद ये देखें इतने खूबसूरत से बादाम, बादामों को मैंने जो है वो गरम पानी में थोड़ा सा बस वो कर दिया और इनके छिलके उतार के अब ये डाल दिए। और अब इसके ऊपर हम नींबू डाल देंगे। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है हमारा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।